हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूबीज कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ गणपति बप्पा का सबसे प्रिय प्रसाद मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मोदक महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर हर घर में बनाई जाती है। मैं भी बनाती हूँ, मेरे घर पर भी गणपति पूजा होती है, तो मैं अपने हाथों से ये मोदक बनाकर गणपति भगवान को भोग लगाती हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी घंटी आती है, उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए मोदक बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने दो नारियल लिया था, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट कर मिक्सी के छोटे वाले जार में रख कर हमने पीस कर इस तरह से बारीक तैयार कर लिया है। मिक्सी के जार में छोटे छोटे नारियल के टुकड़े डालकर एक बार चालू करना है, फिर बंद करना है, कुछ सेकेंड के लिए चालू करना है, फिर बंद करना है। ऐसे करके आप पीसेंगे तो इस तरह से बारीक जैसा हमें मोदक के लिए चाहिए वैसा बनकर तैयार हो जाता है। या फिर आप इसे ग्रेटर पे घिस के भी ले सकते हैं, लेकिन घिसने में मेहनत भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमने इसे इस तरह से मिक्सी के जार में ही पीस लिया है। इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पर एक छोटे कटोरी में एक कटोरी भर के गुड़। यहाँ पे हमने सॉफ्ट वाले गुड़ लिया है, तो इसे हमने हाथों से ही मसल दिया है, और अगर आपका गुड़ सख्त है तो आप उसे ग्रेटर पर घिस के ले सकते हैं। गुड़ आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, और कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो कटोरी आटा लिया है, तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया है इसी कटोरी से हमें पानी भी लेना है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे और पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो जितना हमने आटा लिया है उसके 1.5 गुना ज़्यादा हमें पानी लेना है। अगर आप 1 कप आटा लिए हैं तो आपको 1.5 कप पानी लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ, तो मैं 3 कटोरी पानी उबाल ली हूँ, और पानी में उबाल आने के बाद हमने इसमें से आधा पानी निकाल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसमें हमने चावल का आटा डाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे पलटे से मसल मसल कर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद रखेंगे अभी। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने वापस गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखा है गर्म होने के लिए, और इसमें हम 4-5 चम्मच घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम ये घिसा हुआ नारियल डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक भूनना है। तो ये जो नारियल है वो कढ़ाई में चिपकने लगता है, तो हमें इसे लगातार चलाना है। तो यहाँ पे मैं 1-2 चम्मच घी और डाल देती हूँ। मोदक में घी आप जितना डालेंगे उसके हिसाब से भी आपको टेस्ट मिलेगा, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। तो जो भी इसमें चिपक रहा है उसे हमें निकालते हुए 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, उसके बाद हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप गुड़ डालेंगे गुड़ मेल्ट होने लगेगा, और जो भी कढ़ाई में चिपका होगा नारियल वो सब निकलने लगेगा। तो इसे इस तरह से पलटे को कढ़ाई के तले से चलाते हुए अच्छी तरह से निकालते हुए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, जो कढ़ाई में चिपका हुआ था वो भी अच्छी तरह से निकल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं।
तो ये जो हमने चावल का आटा बनाया था ये अभी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे हम हाथों से मसल मसल कर इसका एक स्मूथ डोर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों हाथों से इस तरह से मसल मसल कर तैयार कर लेंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं। तो हमने आटा तैयार कर लिया है, यहाँ पे हमने लिया है आटा और इसके साथ ही हमने मसाला भी लिया है और ये हमने मोदक का सांचा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से लेंगे और फिर हम आटा का थोड़ा सा छोटा छोटा लोई लेंगे और इस तरह से हम हथेली पे दबा के इस तरह से अंगूठे की सहायता से हम एक छोटा सा पूरी का शेप दे देंगे, पूरी की तरह बना लेंगे दो। और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे, इसे अच्छी तरह से दबा देंगे और फिर इसे बंद कर देंगे और नीचे का जो हिस्सा है उसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम निकाल देंगे। नीचे से हमें अच्छी तरह से दबाना है और उसके बाद ये हम खोलेंगे। देखिए मोदक बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिया है और इसे हमने एक स्टील वाली छलनी की वाली जो प्लेट आती है उसे में हमने रख लिया है। प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के लेंगे और अब हम चलते हैं स्टीम करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इसमें हम सावधानी से ये प्लेट अटका देंगे। हमारा जो कढ़ाई है इसके ऊपर ये प्लेट आसानी से अटक जाती है। अगर आपका प्लेट कढ़ाई बड़ा होगा तो उसमें आप एक स्टैंड डाल सकते हैं या फिर छोटा कटोरी डाल के डाल सकते हैं। फिर इसे हम ढक के लगभग 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 15 मिनट बाद मोदक पक गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये अभी बहुत गर्म है तो इसे हम सावधानी से निकाल लेंगे। तो एक कपड़े से पकड़कर हमने इसे निकाल कर साइड में रख दिया है। तो मोदक बनकर तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप थोड़े से दूध में थोड़ा सा फूड कलर और कुछ केसर के धागे डालकर इस तरह से इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि ये देखने में अच्छा दिखे। तो लीजिए मोदक बनकर तैयार है। आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये रेसिपी आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।